Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So welcome you all back to this NTSC Cracker series. और जो आज का हमारा लेक्चर है वो मतलब मैं कहूँगा सब सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है हमारे पूरे इस NTSC Cracker series का. तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. इसमें आपने दो तरीके के कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, मैं फटाफट उनका नाम लिख देता हूं. पहला आपने पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा आपने पढ़ा होगा पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आपके लगे हैं सीरीज में लगे हुए हैं तो जो सीरीज में आपका R इक्विवेलेंट होता है दैट इज R1 प्लस R2 करते करते आपके जो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है. एंड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू इज 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 टिल 1 अपॉन Rn. अब सीरीज की पहचान क्या होती है, इन दिस द रेजिस्टेंसेस हैव सेम करंट. और पैरेलल की पहचान क्या होती है, दे हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमको ध्यान रखने हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सर्किट्स आर इन सीरीज और इन पैरेलल. तो आइए कुछ सवाल देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा हमारा. So moving ahead with the first question, question आपका कुछ ऐसा है, आपको एक 12 वोल्ट का सेल दिया हुआ है और यू आर गिवन अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम यहाँ पे आपका 12 ओम है और यहाँ पे आपका 6 ओम है और ये बैटरी आपकी 12 वोल्ट की बैटरी आपकी. तो कहता है फाइंड द करंट थ्रू द 8 ओम रेजिस्टर. दैट मींस जो भी करंट यहां से निकला होगा, अगर आप देखें यहां से करंट कुछ कुछ करंट आपको यहां से आई निकला होगा. अब देखिए यहां पे जो है यहां पे कोई और ब्रांच नहीं है तो ये करंट आई यहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. ये करंट आई आपका यहाँ पे आ जाएगा. फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई और ब्रांच नहीं है तो करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. सो दिस करंट आई विल गो समवॉट लाइक दिस. अब करंट आई यहाँ पे आया आपका तो क्या होगा, ये आई आपका कुछ दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा एंड दीज टू पार्ट मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल. तो सपोज इसमें गया I1 और इसमें चला गया I2. And at this point, you can say that I is equal to I1 plus I2. क्यों? Because the charge is conserved. जितना चार्ज आया उतना चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया और वापस ये मिलके यहाँ पे फिर से I बन जाएगा आपका. So the first motive of us is to find R equivalent. तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका 12 ओम और 6 ओम जो है वो आपके पैरेलल में, क्योंकि दोनों ब्रांचेस में क्या है पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा क्योंकि दोनों का देखिए करंट एंटरिंग पॉइंट सेम है और दोनों का करंट लीविंग पॉइंट सेम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द आर इक्विवेलेंट ऑफ 12 ओम एंड 6 ओम. इनके इक्विवेलेंट को हम R1 मान लेते हैं या R' मान लेते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा. 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12 तो कितना बन जाएगा, एलसीएम लेंगे आप तो एलसीएम जो आएगा आपका 12. 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/12 देयरफॉर R' इज 12/3 और 4 ओम.
और जो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा, जब यहाँ पे इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाओगे 4 ओम का, तो ये जो रेजिस्टेंस है 4 ओम का, दिस इज इन सीरीज विथ 8 ओम, तो जो आपका फाइनल आर इक्विवेलेंट है दैट इज 8 + R′ दैट इज इक्वल टू 8 + 4 इज इक्वल टू 12 ओम. मतलब इन फाइनल वी कैन हैव अ सर्किट ऑफ लाइक दिस, 12 वोल्ट बैटरी एंड आर इक्विवेलेंट ऑफ 12 ओम. यहाँ पे करंट आपका आई से निकल रहा है. नाउ बाय ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो करंट क्या बन जाएगा आपका, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट. वी इज 12, आर इक्विवेलेंट दैट इज 1 एम्पियर. मतलब जो आई की वैल्यू आ रही है वो 1 एम्पियर आ रही है. सो करंट थ्रू 8 ओम इज 1 एम्पियर. फिर सेकंड पार्ट में पूछता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम. मतलब अगर मैं I1 I2 निकाल लूं तो मुझे ये चीज मिल जाएगी. तो मैं इस सर्किट को वापस ड्रॉ करता हूं अगले पेज पे. तो जो आपका 12 ओम और 6 ओम का सेगमेंट है उसको मैंने वापस रीड्रॉ किया मैंने. तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे करंट I आपका आ रहा है, यहाँ पे 12 ओम है और यहाँ पे 6 ओम है, और I की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर है. तो सपोज ऊपर वाली ब्रांच में कैपिटल आई करंट जा रहा है तो नीचे कितना होगा, 1 - कैपिटल I, क्योंकि यहाँ पे 1 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर का I एम्पियर ऊपर चला गया तो जो बचा हुआ होगा वो नीचे आ जाएगा. नाउ सिंस दीज टू ब्रांचेस आर पैरेलल, तो अगर मैं यहाँ पे उसको सिग्निफाई करूँ कुछ, सपोज ये ब्रांच AB है और ये ब्रांच CD है, एंड ब्रांच AB एंड ब्रांच CD आर पैरेलल, सो फॉर पैरेलल ब्रांचेस द वोल्टेज ड्रॉप इज सेम, सो VAB इज इक्वल टू VCD. नाउ व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस. तो ब्रांच AB का करंट क्या है, I है, रेजिस्टेंस कितना है, 12 है. ब्रांच CD का करंट कितना है, 1 - I है और रेजिस्टेंस कितना है, 6 है. सॉल्व करते हैं, 6 × 2 = 12, तो कितना हो जाएगा, 2I इज इक्वल टू 1 - I, या 3I इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कैपिटल I इज इक्वल टू कितना बन गया, 1/3 एम्पियर बन गया आपका. तो वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम इज, वोल्टेज होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस. तो 12 ओम में करंट कितना है, आई है, रेजिस्टेंस कितना है, 12 है, तो आई कितना है, 1/3 × 12 दैट इज 4 वोल्ट. मतलब ये जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है इसकी वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट है. एंड दिस इज सेम एज वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम बिकॉज दीज टू आर इन पैरेलल. सी पार्ट आपसे पूछता है करंट थ्रू 6 ओम, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 - I है, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 - 1/3 दैट इज 2/3 एम्पियर. तो ये आपके आंसर्स हो गए. पहला पार्ट था टू फाइंड करंट थ्रू 8 ओम दैट इज स्मॉल I, जो हमारा 1 एम्पियर आया है. नीचे आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, दिस इज द करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टर. फिर हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम एंड 6 ओम, दोनों यहाँ पे पैरेलल हैं, तो किसी एक का निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो हमारी आ रही है दैट इज 4 वोल्ट, एंड द करंट थ्रू 6 ओम इज 2/3 एम्पियर. तो ये आपके आंसर्स हो गए आपके. तो आई होप आपको इससे कुछ आइडिया लगा हो कि हाउ टू आइडेंटिफाई सीरीज इन पैरेलल. तो आइए हम एक सवाल और देखते हैं, इसमें थोड़ी हमें क्लैरिटी और आएगी हमें इस समय. तो यहाँ पे आपको दिया है ये सर्किट है,
यहाँ पे दिया है 9 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम, और ये पॉइंट आपके ए और बी है आपके। तो कहता है फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जब ऐसा करने को कहे आपको तो करना क्या है, हमें हम अज्यूम करेंगे इसके अक्रॉस कोई बैटरी लगी हुई है, तो इससे करंट निकलेगा, ये करंट यहां जाएगा, तो करंट यहां पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सपोज ये करंट आई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आई आएगा आपका, तो जब करंट यहाँ पे आपका सपोज आई आ रहा है, तो इस आई का एक पार्ट ऊपर चला जाएगा आई वन और एक पार्ट नीचे आ जाएगा आई टू। देन यू कैन सी दिस आई टू इज सेम इन ऑल दिस थ्री रेजिस्टेंसेस एंड सेम करंट means that they are in series. That means 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm are in series. तो पहले हम इन तीनों का निकालते हैं equivalent. तो R dash क्या बन जाएगा? 2 plus 3 plus 4, that is 9 ohm. मतलब this circuit can be redrawn as 9 ohm और नीचे वाला भी आपका क्या हो जाएगा? 9 ohm. ये आपके पॉइंट ए और बी हैं। नाउ यू कैन सी दैट दीज टू आर हैविंग सेम करंट एंटरिंग पॉइंट एंड दीज टू आर हैविंग सेम करंट लीविंग पॉइंट। मतलब आपका ये जो ऊपर 9 ओम है और जो नीचे आपका आर डैश बन के आया है, दोनों आपस में पैरेलल में है, तो जो आपका नेट इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 1/9 प्लस 1/9, that is 2/9, therefore R equivalent is 9/2 or 4.5 ohm. मतलब जो आपका final circuit बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, A है और B है और यहाँ पे इसके बीच में लगा है 4.5 ohm. This is the final circuit which you will obtain. ये आपका final circuit आएगा बन के ये। So the R equivalent or the effective resistance between point A and B, B is 4.5 ohms. फिर इस पे एक सवाल और ऐसे ही बनता है आपका, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसने बोला है सर्किट ऑलमोस्ट वही है आपका, सेम वो नहीं है बट लगभग आपका कुछ सर्किट आपका वैसा ही है आपका। ये बोलता है 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये x ओम है और ये 5 ओम है, ये a और b है। कहता है फाइंड x इफ रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 4 ओम। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया हुआ है a और b के बीच का और आपको निकालना है कि एक इंडिविजुअल x ओम कितने का होगा आपका। तो वही काम करना है कि सपोज यहां पे करंट आपका आई आ रहा है, एक पार्ट ऊपर चला गया एक पार्ट नीचे आ जाएगा। सो दीज टू आर हैविंग सेम करंट और इन दोनों में सेम करंट है, तो ऊपर वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट सपोज आर वन है, कितना बन जाएगा, 4 + 8 = 12 ओम। नीचे वाली ब्रांच जिसमें करंट आई टू सेम है, एक्स प्लस फाइव, that is x plus 5 ohm. मतलब this circuit can be redrawn as like this. 12 ohm और नीचे वाला बन जाएगा आपका x plus 5 ohm. अब आप देख सकते हैं कि आपका 12 ohm और x plus 5 ohm आपके parallel में है, तो इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट होगा R ए बी दैट विल बी 1/12 प्लस 1/x प्लस 5 और R ए बी आपको 1/4 दिया हुआ है। हम वैल्यू पुट करते हैं 1/4
is equal to 1 upon 12 plus 1 upon x plus 5. तो 1 अपॉन x प्लस 5 क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 12. इस कैल्शियम ले लो, कैल्शियम क्या बनेगा 12, दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाय 12. देयरफॉर 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 और 6, 1 बाय 6. देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 माइनस 5 और 1 ओम. तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी दैट इज 1 ओम. आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग. इसमें कुछ ऐसा दिया यहाँ पे कि तो यहाँ पे पॉइंट ये x दिया है, ये आपका y दिया है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम एंड 3 ओम. कहता है फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन, पहले पूछता है बिटवीन P एंड Q और दूसरा पूछता है बिटवीन x एंड y. तो पहले P और Q के बीच में पूछा है, तो क्या क्या करते हैं हम लोग, जिन दो पॉइंट के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा गया है आप उनके अक्रॉस एक बैटरी अज्यूम करते हो. तो हमने P और Q के अक्रॉस एक बैटरी अज्यूम की है, मतलब करंट जो होगा, सपोज अगर बैटरी अज्यूम करोगे तो करंट पॉइंट P से एंटर करेगा. अब देखो, अब जो ये करंट यहाँ पे आ रहा है तो इसको देखो दो रास्ते मिल रहे हैं डिवाइड होने के, एक ऊपर एक नीचे. नीचे नहीं जाएगा क्योंकि आपका ये पाथ ओपन है. तो जो करंट यहाँ पे आया है वो क्या होगा, कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा, कुछ पार्ट ऊपर आ जाएगा. तो सपोज अगर यहाँ पे I आ रहा है, इसमें मान लो गया I1, तो ऊपर वाले में क्या होगा, इट विल गो I2. अब ये I2 जो ऊपर गया, यहाँ पे कुछ और है नहीं बटने के लिए, तो ये I2 इसमें आ जाएगा, मतलब इसमें भी I2 फ्लो करेगा. और आप देख सकते हैं कि इसमें भी I2 है, इसमें भी I2 है, सेम करंट मतलब सीरीज. तो ऊपर वाले का इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम. मतलब हम इस सर्किट को ऐसे बना सकते हैं, ये पॉइंट P है, ये 3 ओम है और यहां पे क्या है 6 ओम है, और ये पॉइंट Q है. करंट ऐसे आया है और ऐसे चला गया है. अब आप देखिए, आपका 6 और 3 है पैरेलल में, तो 1 अपॉन आर पी क्यू, आर पी क्यू इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस पी एंड क्यू, दैट इज 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 दैट इज 9/18. तो आर पी क्यू क्या बन जाएगा, 18/9 दैट इज 2 ओम. तो ये तो हमारा आर पी क्यू आ गया. अब अगले पार्ट में पूछता है फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई. तो इसको हम लोग अगले पेज फिर से ड्रॉ करते हैं. तो ये कुछ ऐसा दिया है, ये एक्स और वाई है और इन सब की वैल्यू 3 3 3 3 ओम है. तो हमको x और y के अक्रॉस निकालना है, तो क्या करेंगे, इस यहाँ पे एक बैटरी अज्यूम कर लो, तो करंट इससे निकलेगा, कुछ यहाँ गया कुछ ऊपर गया. तो जो करंट ये जा रहा है ये इसमें सेम लिंक होगा, मतलब पहले ये दोनों आपके बन गए सीरीज में. तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा. दैट मीन्स दिस फिगर कैन बी रीड्रॉन एज 3 ओम, ऊपर कितना है 6 ओम, और ये क्या था, ये पॉइंट P है, ये Q है और नीचे क्या है आपका 3 ओम और
3 ओम, हमने यहाँ पे एक बैटरी अज्यूम की थी। अब क्या है, 6 और 3 आपके हैं पैरेलल में, इसका हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं, दैट वाज हाउ मच 2 ओम। सो दिस सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज 3 ओम, 2 ओम एंड अगेन 3 ओम, और हमने यहाँ पे ये एक्स और वाई है। तो जो करंट यहां से निकला था आई, उन तीनों में अब आई ही फ्लो कर रहा है। सो दीज थ्री आर हैविंग सेम करंट, देयरफॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई इज हाउ मच, 3 + 2 + 3, दैट इज 8 ओम। सो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई इज 8 ओम्स। पी और क्यू के अक्रॉस 2 ओम आ रहा था, और एक्स और वाई के अक्रॉस आपका आंसर 8 ओम आ रहा है आपका। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नाउ मूविंग अहेड टू अनदर क्वेश्चन, इसको करते हैं, ये आपकी कॉन्सेप्ट को और अच्छा क्लियर कर देगा आपको ये। तो यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी दी है, ये 4 ओम है, 2 ओम है, 6 ओम है, और यहाँ पे आपकी एक 6 वोल्ट की बैटरी है। तो पहले कहता है आर इक्विवेलेंट निकालिए, और यहां से कितना करंट निकला वो निकालिए। तो देखिए, जब ये करंट ये आई जा रहा होगा, तो व्हाट इज हैपनिंग, ये करंट आई यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। सपोज यहां आई वन चला गया, इसमें आई टू चला गया। अब ये आई टू यहां पे आएगा, यहां पे डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो वापस इसमें I2 आ जाएगा। ऊपर से I1 आ ही रहा है, ये वापस मिलके यहाँ पे I बन जाएगा आपका। तो अगर आप देखिए, जो लास्ट में आपका 4 ओम और 2 ओम है, उन दोनों में करंट सेम है, दैट मीन दीज टू आर इन सीरीज, सो लेट देयर इक्विवेलेंट बी R1। तो R1 क्या बन जाएगा, 4 + 2, दैट इज 6 ओम। तो ये फिगर वापस हम ड्रॉ कर सकते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी, 6 ओम का रेजिस्टेंस, और 4 + 2 कितना है, 6 ओम है, और 6 वोल्ट की बैटरी है। यहां पे करंट आई आ रहा था, इस ब्रांच में करंट आई वन है, इस ब्रांच में करंट आई टू जा रहा था। एंड यू कैन सी दीज टू आर हैविंग सेम करंट एंट्रिंग पॉइंट एंड सेम करंट लीविंग पॉइंट, क्योंकि इसका ड्रॉप भी वही आएगा, इसका ड्रॉप भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा, दैट मींस वी कैन से 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/6 + 1/6, दैट इज 2/6। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इज 6/2 और 3 ओम। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 3 ओम। अब बात आती है करंट निकालने की, तो जो हमने ऊपर सर्किट ड्रॉ किया है उसको हम वापस रीड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास एक 6 वोल्ट की बैटरी है और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। नाउ इस सर्किट में हम अप्लाई कर देंगे ओम्स लॉ, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। I क्या बन जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, V इज 6 इज 3, तो करंट आपका बन जाएगा 2 एम्पियर। सो द करंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बैटरी इज 2 एम्पियर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इसमें हमने सीरीज और पैरेलल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, सीरीज सर्किट को पहचानने के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि दे शुड हैव सेम करंट, एंड फॉर पैरेलल सर्किट दे शुड हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दीज आर द फॉर्मूलेस व्हिच यू विल अप्लाई टू ऑब्टेन द सीरीज एंड पैरेलल इक्विवेलेंट। और हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने सीरीज और पैरेलल के टॉपिक को डिस्कस किया है, how to find current for individual branches, how to find equivalent resistance, and how to find the total current originating from the battery.
रेस्ट आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो, कुछ भी हो, यू कैन प्रैक्टिस दोस बुक्स फॉर एज मच क्वेश्चंस एज यू वांट. एंड इन केस यू फेस एनी डाउट रिगार्डिंग दोस क्वेश्चंस, यू आर फ्री टू पोस्ट योर कमेंट्स इन आवर कमेंट सेक्शन, ताकि हम उसको एड्रेस करके आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें. सो प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस, आस्क योर डाउट्स, एंड वी वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू हेल्प यू आउट विद दोस प्रॉब्लम्स. बाकी वी हैव गिवेन यू इनफ क्वेश्चंस टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज. बाकी रेस्ट एश्योर्ड 11 और 12 दिसंबर को जब हम मिलेंगे, हम इस टॉपिक में जितने आए हुए सवाल आपके एनटीएससी में है उसको हम दोबारा टेकअप करेंगे, ताकि यू गेट द रियल फील कि कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस किस लेवल के और किस टाइप के आते हैं आपके. सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, प्लीज प्लीज हमें लाइक करें, इसको अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा मिल सके. और अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. एंड रेस्ट फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर एनटीएससी एग्जामिनेशंस. थैंक यू वेरी मच.